राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने और जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस मांग को लेकर गया शहर में ऐतिहासिक गांधी मैदान से राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत, गुरुवा विधायक विनय यादव, जिला अध्यक्ष मोनेजाम, जिला प्रभारी विश्वनाथ यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर गुरुवा विधायक विनय यादव ने कहा कि जो जनगणना 1931 के बाद नहीं कराया उसे कराए जाने की मांग को लेकर आज हम तमाम पार्टी के लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम केंद्र एवं राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि जातीय जनगणना जल्द से जल्द कराया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो आह्वान किया गया है कि जातीय जनगणना की जाए और आरक्षण में बैंक का जो लोन है उसको लागू किया जाए और जो मंडल आयोग में जो कृषि मंडल द्वारा मंडल की अध्यक्षता में जो पारित की गई थी वो सारे योजनाओं को पारित किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग पूरा महिला टीम हर जिला सरकार से मांग करते हैं कि जो हम लोग का तीन मांग है उसको लागू किया जाए। आप लागू कर सकते हैं फिलहाल। बीपी सिंह स्वाध्याय, अपने प्रधानमंत्री काल में मंडल आयोग को लागू किया, मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल आयोग जीता था और आज की डेट में जब से कमंडल का कानून आया है तब से वो मंडल आयोग को दबाने में लगे हुए हैं। 40 सिफारिशों में उन्होंने मात्र 2 ही सिफारिशों को अभी तक पालन किया है और 38 अभी तक बाकी है, बाकी 38 भी लागू हो उसकी मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आज सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आप सभी के समक्ष खड़ा। मैं वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह एहसास करा दूं कि जब तक हमारे आरक्षण को लागू नहीं किया जाता, क्योंकि आपको ये बात को समझना होगा कि सरकार ने जातीय जनगणना कराई, सबसे ज़बरदस्ती अपनी अपनी जात को दर्शाते हुए फॉर्म्स को भरवाया, लेकिन उसके बाद कभी उसको लागू नहीं किया। क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि ये उनको पता है कि यह कानून है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भाई जो आदमी जितना अपना भागीदारी दिखाएगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा। मेरे घर में अगर 4 सदस्य हैं और रोटियां अगर भैया 4 होंगी तो बराबर बराबर तब तो बांटी जाएंगी। अरे 4 नहीं दीजिएगा तो 2 दीजिएगा कि आधा आधा खाएं। 4 लोगों में 1 रोटी दीजिएगा या आधी रोटी दीजिएगा तो हमारा कहीं से पूछना पड़ेगा नहीं। पहले भी राष्ट्रीय जनता दल जातीय जनगणना की मांग को लागू करने के लिए पहले भी प्रयासशील रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किए और हम सतीश भाई और भी कई हमारे युवा साथी प्रवीण भाई ये लोग सब यहाँ गया से साइकिल से पटना तक जाने का हम लोग ने उस स्टेट बैसाखी गर्मी में काम किया था। आज हमारी केंद्र सरकार से मांग है जातीय जनगणना को लागू करें और जिसकी जो हिस्सेदारी में है वो उसकी हिस्सेदारी वो उसका हक अधिकार उसको देना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जिंदाबाद। हमारा बैंक कराया गया 1931 के बाद उसको जातीय जनगणना को लागू करें, जातीय जनगणना कराया जाए और उसके बाद जो हमारे मित्र मंडल साहब का जो मंडल कमीशन लागू हुआ था उस मंडल कमीशन को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। बहुत से वहाँ पे अभी शेष बचा हुआ है प्लस आरक्षण कोटि से जो हमारे बहुत से विभागों में खाली पद है उसको आरक्षण कोटि से उसको भरने का काम किया जाए। इसको लेकर आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार, तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार और जक्का बाबू के आदेश पे पूरे बिहार के सभी जिलों मुख्यालयों में आज यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार को आगाह करना चाहते हैं जातीय जनगणना प्रकाशित किया जाए। जनगणना 2021 में
कराया जाए इसके लिए गया जिला के हमारे प्रभारी आए हुए हैं विजय कुमार मंडल जी जो दिनारा विधायक हैं और यहाँ के तमाम हमारे राजद के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष हमारे निजाम जी हमारे यहाँ पे जितेंद्र जी यहाँ पे सुभाष यादव जी और जो भी हमारे सभी विभाग के सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता आज रोड पे उतरे हैं कि जातीय गठबंधन प्रकाशित करे जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी जिसकी भागीदारी होनी चाहिए और यह लागू करने के लिए आज रोड पे लोग आए हैं उसको निश्चित ही लागू किया जाए। गया जिला में पुरजोर जो है जन समर्थन मिला है जाति जनगणना के पक्ष में। जाति जनगणना के खिलाफ हम लोग जो जाति जनगणना नहीं लागू कर रहे हैं मोदी जी इसके खिलाफ में हम लोग आज जो है रोड पर संघर्ष करने के लिए उतरे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर और जगदा बाबू के आदेश पर हम लोग पूरा बिहार में आज रोड पर जन सलाव लेकर उमड़े हैं कि जो है जाति जनगणना लागू कराओ और जो है रिक्तियां पद को भरने का काम करो मंडल कमीशन पूर्ण रूप से लागू करो इसी का मांग के लेकर आज हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। अगर ये जो है जाति जनगणना नहीं लागू किया तो आगे फिर जो हम लोग इसका संघर्ष करने के लिए तैयार है रोड से लेके विधानसभा तक हम लोग संघर्ष करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आज मंडल दिवस के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के प्रवीण और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव और बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बाबू जगदानंद सिंह के आह्वान पर आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता रोड पे उतरा है। आज हम लोग जातिगत जनगणना लागू करने मंडल कमीशन की सारी अनुशंसाएं लागू करने और जो बैकवर्ड का जो सीट अभी खाली है उसको बैकलॉग से भरने की मांग करते हैं। अगर नहीं मानी गई तो इससे ज्यादा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन हम लोग करेंगे। सरकार ये न भूले कि 92 में हम लोग दिल्ली को हिला दिया था मंडल रैली के नाम। जय राजद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।